गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग मैथ्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बात कर रहा था आपके साथ, रोज बात कर रहा हूँ कि हम लोग सीबीएसई वाले बच्चे लगभग 16 से लेकर 22 नंबर का पोर्शन अपने बोर्ड में कवर कर चुके हैं। और यूपी बोर्ड के बच्चे अगर अपना इतने चैप्टर्स में अपना क्राइटेरिया देखेंगे तो करीब मिनिमम 25 नंबर और मैक्सिमम 30 नंबर तक का पोर्शन उन्होंने कर लिया है। सीबीएसई का पेपर क्योंकि 80 मार्क्स का, इसे नंबर उसके कम होंगे, नेचुरल सी बात है। पेपर ही 80 मार्क्स का है तो उसके स्कोर कार्ड कम होंगे, और यूपी बोर्ड का पेपर क्योंकि 100 मार्क्स का है वो थोड़ा आगे तक जाएगा। तो 3 चैप्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन करा चुका हूँ, कोई कमी नहीं रही है। मैंने मैक्सिमम टाइम जितना समय आपको दे सकता था दिया है, आपके अनुसार आपकी इच्छा अनुसार चैप्टर को लंबे समय तक खींचता रहा हूँ, रोज चलने दिया है। लेकिन क्योंकि निरंतरता थी, रेगुलरिटी थी, इसलिए वो हमारे यहाँ तक का सिलेबस आ गया। देखिए अब एक कैलकुलस का पार्ट शुरू कर रहा हूँ। कैलकुलस एक अनलिमिटेड पोर्शन है, जितना तैयार करो उतना ही कम है। तो उस चैप्टर का देखिए, ये भी चैप्टर 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। अपनी एक बड़ी खूबसूरत सी किताब है जो RS अग्रवाल है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज इसको लेकर के वर्क की गई हैं। तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, उस पर अमल में लाइएगा, जितना होमवर्क दे रहा हूँ वो करिएगा। तो सुनिए, इसमें कंटिन्यूटी जब आप शुरू करेंगे तो शुरुआत में देखेंगे थोड़ा ग्राफ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, ये मैं चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा। मैं आज आपकी शुरुआत कर रहा हूँ कंटिन्यूटी से, जो कि कंटिन्यूटी की एकदम शुरुआत का बेस है, स्टार्टिंग का बेस है, जिससे तुम्हारी कंटिन्यूटी का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में सही हो जाएगा। आप 3 दिन का समय हमें दीजिए, हम 3 दिन का समय आपको देते हैं, और आप देखें दोनों मिलकर के गुरु चेला इतिहास रख देते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मुझसे लिखवा लीजिए। आज मैं आज शुरुआत करता हूँ। चलिए लिसन माय डियर, तमाम भूमिका तमाम एक्सपेरिमेंट में नहीं किया करता हूँ, सीधे क्वेश्चंस पर आता हूँ। एक छोटा सा और सरल सा सवाल है, और यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के फेवर में खड़ा कर देगा। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 के फेवर में खड़ा कर देगा, यकीन जानिएगा। तो सुनिए, ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, अब तमाम मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, तमाम इतिहास नहीं बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सारा थ्योरी सारा इतिहास सारा कंसेप्ट दे देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। f(x) = ऐसे लिखा है 2x - 1, एक बार लिखा है f(x) = 2x + 1, और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया है, कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x = 0। तो ऐसे ही आपको देख लेना है, इक्वल टू का साइन जिसके सामने लगा हो, ऐसे गिवन फंक्शन हो तो कंटिन्यूटी उसी पॉइंट पर निकालनी होती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं कंटिन्यूटी निकालने का प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। एक सवाल भी अगर आज के आधे घंटे की क्लास में आपके भेजे में गया तो निश्चित रूप से कल आप बॉस होंगे खुद के। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग। सुनो, जब भी कभी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन निकालना होगा तो 3 बातों का ख्याल रखिएगा। एक टर्म आएगा LHL, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा टर्म आएगा RHL, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और तीसरा टर्म आएगा f(x), यानी वो फंक्शन ओरिजिनल। जो बच्चे पिछले साल हमारे साथ लिमिट पढ़े थे उन्हें बहुत भली प्रकार याद होगा कि LHL का मतलब क्या होता है और RHL का मतलब क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में कंटिन्यूटी हमने 11 एक्सरसाइज RD शर्मा की लगवाई थी कंटिन्यूटी लिमिट की, तो उन बच्चों को इसके बारे में पता होगा। खैर फिलहाल छोड़ो, जिनको नहीं पता हो वो भी आएँ, जिनको पता हो वो भी आएँ, सबको बता रहा हूँ। जिनको कल नहीं पता था आज पता करें। हम 4 सवाल आज की क्लास में बताएंगे, आप 4 सवाल को ठीक से समझिए, 4 ही सवाल घर में लगाइए, आज की 100% की आउटपुट होगी। चलिए, ऐसे फंक्शन दिया रहेगा, कहेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो। ये example 4 है हमारी किताब के चैप्टर से, example 4 है पहली वाली एक्सरसाइज से, वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। एक फंक्शन ऐसे गिवन होगा, कहेगा इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए। तो सबसे पहले हमें किसकी तलाश करनी है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सुनो, तुम बच्चों ने लिमिट अगर ना पढ़ी हो या पढ़ी हो तो भी कोई बात नहीं, जब लिमिट की बात आई है तो हम कहेंगे LHL निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो जो उन्होंने पढ़ी होगी ऐसे लिखा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू LHL, सुनोगे तो हमारी कंटिन्यूटी वेरिफिकेशन पॉइंट को हमेशा नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर उसने कंटिन्यूटी 0 पर निकालने को कहा है तो नंबर लाइन पर 0 लिख लीजिए। बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, एक सवाल को 10 मिनट का समय दीजिए, कल से दौड़ने लगेगी। जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालनी हो उसको नंबर लाइन पर रख लीजिए। आपको तो पता ही होगा 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो LHL मिलेगा। अरे मालिक, 0 ओरिजिनल ओरिजिन पर बैठे हो, इधर जा रहे हो तो लेफ्ट, इधर जाओगे तो राइट, राइट हैंड जाने पर RHL मिलेगा, राइट हैंड लिमिट। तो सुनो,
हमें तुमको जिन बच्चों को पता होगी कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पर निकालनी है तो लिमिट या एक्सटेंडिंग टू वो पॉइंट लिखेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ी थी उन्हें पता है कि जब आप लिमिट का सवाल लगाने आते हो तो यहाँ एक फंक्शन होता है। अब वो फंक्शन कौन होगा यही पहचानना जिस दिन से आ जाएगा उस दिन से कंटिन्यूटी दौड़ती हुई आएगी। रियली तो उम्मीद करता हूं कि आप जब LHL निकालने जाओगे तो एक ऐसा फंक्शन तलाश करोगे जो जीरो से छोटा होगा, लेस देन जीरो। तो इन दोनों फंक्शन को देखकर बताइए इन दोनों में से कोई एक यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा या ये वाला यहां आएगा, ये पता करने के लिए एक कंसेप्ट का ही होना जरूरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं आप, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो जीरो के बाएं हाथ जा रही है, जीरो के बाएं हाथ जीरो से छोटा होगा और सही मायने में जीरो से जो छोटा यानी लेस देन जीरो है वो यही है। ये फंक्शन एज इट इज यहां लिख जाएगा। जिस दिन से आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करना आ गया उस दिन से कंटिन्यूटी आपको आ गई। ये कंसेप्ट क्लियर हो रही जो मैंने फंक्शन सेलेक्ट करके यहां लिखा है? अगर आपकी ये फंक्शन सिलेक्शन की कंडीशन क्लियर हो गई है तो एक चीज रट लीजिए, याद कर लीजिए, आज से कनेक्टिविटी दे दीजिए। जब आप LHL सॉल्व कर रहे होंगे हमेशा याद रखिएगा हर x को हमेशा a माइनस h से रिप्लेस किया जाएगा। जितने इस फंक्शन में x दिखेंगे उसे a माइनस h से रिप्लेस करेंगे और यहाँ a बनेगा वही फंक्शन जिस पर कॉन्टीन्यूटी निकालनी है। अगर एक कॉन्टीन्यूटी 1 पर निकालनी होती तो यहाँ x टेंडिंग टू 1 लिखता, कंटिन्यूटी 2 पर निकालनी होती तो x टेंडिंग टू 2 लिखता। तो जो x टेंडिंग टू है वही मेरा a है। तो फिलहाल जब मैं लिमिट LHL निकालने जाऊंगा तो x की जगह क्योंकि a मेरा 0 है तो 0 माइनस एच टेंडिंग टू 0, फिर यहाँ 2 रहेगा इस x की जगह पर 0 माइनस एच लिखेंगे, माइनस का 1 करेंगे। और जिन बच्चों ने कॉन्टीन्यूटी लिमिट पढ़ी है आपको पता है सिंप्लीफाई देन अप्लाई, यही है एक प्रिंसिपल, सिंप्लीफाई देन अप्लाई, सिंप्लीफाई करो अप्लाई करो। तो h की जगह अब इसको और सिंप्लीफाई करने जा नहीं सकते हैं, अरे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर भी लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 2h माइनस का 1 लिखेंगे। तो जब h को 0 खोल देंगे आप तो ये हिस्सा तो हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और LHL निकल गया। अब अगली सीन हमारे पास है, मुझे जो निकालना है उसका नाम है RHL, राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो फिर कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि हमें 0 पर ही कॉन्टीन्यूटी का निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 से शुरू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 से शुरू होगी। अब सारा खेल है, ये एक लिमिट का प्रश्न बनता है और लिमिट का जो प्रश्न बन रहा है, सवाल जो बन रहा है, क्वेश्चन जो बन रहा है, उसमें एक फंक्शन होता है। जिसने फंक्शन सिलेक्शन सीख लिया उसे लिमिट आज कंटिन्यूटी आज के आ जाके रहेगी। समय लगाऊंगा, मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, बस आप हाँ ना बताते रहिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कोई दिक्कत है, हम आपको 100% दोबारा सपोर्ट देंगे। आइए भैया, अब हमें देखना है कि जीरो के आगे यानी राइट हैंड में जाना, तो जीरो के जब राइट में चलते हैं तो जीरो से बड़ी नंबर आने शुरू होती हैं। तो इन दोनों में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ग्रेटर देन जीरो के बारे में हमें डिफाइन किया जा रहा है? ऊपर का फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू एक्स माइनस वन तब था जब एक्स लेस देन जीरो था, लेस देन जीरो लेफ्ट में मिलता है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मिली। और जब 2x प्लस 1 की बात करेंगे तो ये राइट हैंड, देखो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे राइट हैंड लिमिट की चिंता है। तो यहाँ हम आ जाएंगे 2x प्लस 1। अब मैंने कहा एक ही चीज़ का ध्यान रखना, LHL निकालते समय x को a माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, RHL निकालते समय हमेशा याद रखिएगा x रिप्लेस होगा a प्लस एच से। इतनी बात को याद रखना है और एक झंडू बाम सवाल बिना दिमाग लगाए इस टॉपिक को पूरा करना। हमेशा a ध्यान रखिएगा वो होगा जहाँ पर कंटिन्यूटी निकालनी होगी। 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0, 2x की जगह पर 0 प्लस एच प्लस 1, एच को 0 खोल देंगे वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए LHL की वैल्यू आ गई माइनस 1, RHL कैलकुलेट किया आ गया 1, तो ये यहीं से डिसाइड हो गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन फिलहाल फॉर्मेलिटी के लिए आपको एफ ऑफ एक्स को भी फाइंड करना होगा। एफ ऑफ एक्स ध्यान रखिएगा, LHL कहाँ से मिलता है ये समझ में आ गया, RHL कहाँ से मिलता है ये समझ में आ गया, एफ ऑफ एक्स कहाँ से मिलेगा ये समझ लें। देखो जिसके सामने लेस देन का सिंबल लगा रहेगा वो LHL देगा, जिसके समय ग्रेटर का सिंबल लगा रहेगा वो RHL देगा, जिसके सामने इक्वल टू का सिंबल लगा रहेगा वही एफ ऑफ एक्स देगा। तो इक्वल टू का सिंबल देखो, ये जो 2x प्लस 1 है
वो यक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए भी और ग्रेटर देन जीरो के लिए भी है। तो हमें यफाप यक्स की तलाश करनी है तो यहाँ हमें 2x प्लस 1 लिखना होगा। अब अगर मैं x की जगह पर, क्योंकि जीरो पर करना है तो x को जीरो इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। हम देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि x की वैल्यू माइनस 1 आई है, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू प्लस का 1 आई है और f ऑफ x की वैल्यू 1 आई है। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, कोई एक भी डिस्टर्ब है, कम ज़्यादा है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन केवल तभी होगा जब हमारा फंक्शन तीन के तीनों बिल्कुल इक्वल होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास चाबी है, बंद भी कर दीजिए गुप्ता जी, बंद कर दीजिएगा हम चले जाएंगे। हाँ हेलमेट निकाल के यहाँ ले आइए। दैट्स ऑल, एक सवाल फिनिश हो गया। अगर कोई कमी रह जाए, अगर कोई परेशानी आए तो हमें दोबारा बता, अपनी वो समस्या बताना हमें खुल करके जो तुम्हारी रियल में, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, आप ये क्या कहते हैं उसमें टेलीग्राम के ग्रुप में हो, तो बच्चे क्या करें, जब ग्रुप में कनेक्टिविटी है तो ग्रुप में डिस्कशन भी किया करो। जब मैं कोई सूचना भेजा करूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दिया करूँ तो रीकनेक्ट किया करो, दोबारा हमें रीचैट किया करो, दोबारा कह के बताया करो ये समस्या। हम देखते हैं, हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं बुद्धों की तरह ऐसे, अब तुम लोग नए जमाने के हो, तुमसे ज़्यादा टेक्नोसेवी तो मैं हूँ बे, एकदम टोपे के टोपा बैठे रहोगे, ज़िंदगी भर ख़त्म हो जाओगे। अगला सवाल, नए जमाने के हो तो नए जमाना दिखाओ ना, नई जनरेशन हो तुम, टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट नहीं ले सकते हो। मैं यहाँ से बेवकूफों की तरह तुमको चैट करके बताता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, तुमसे एक तुमको कहूँ कि बेटा सवाल भेजो, तुम सवाल भेजते हो, इतने बड़े गधे हो, पढ़ने चले आए ऑनलाइन क्लास, इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास बदनाम है तुम गधाओं की वजह से। ये था एग्जाम्पल 4, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, या तो 2 नंबर या तो 4 नंबर पक्का आया होगा, 2002 का था। चलिए अगला सवाल आपके लिए हाजिर करता हूँ। मैं छोटे छोटे सवालों से आपको मोटिवेशन करता हूँ, जैसे आप मोटिवेट हो जाएंगे तो बड़े सवाल भी उखाड़ फेंकने में आपको तनिक भी विलम्ब ना होगा। शायद ये दुनिया की सबसे सरल चीज़ कही जाती है, लेकिन आज भी बच्चों के बीच में इस टॉपिक का टेरर बहुत है। रख दीजिए गुप्ता जी इस बार, हाँ दोनों चीज़ रख दीजिए। इतनी सरल सी चीज़ का इतना टेरर मैं आज तक समझ नहीं पाया क्यों है, जबकि अगर एक ही सवाल आप ठीक से समझ लो तो हम तो देखते हैं कि हमारे वो बच्चे जो मेहनती रहते हैं, जो ओवर वर्क करते रहते हैं, वो एक दिन में ही समझ करके पूरा चैप्टर लगा सकते हैं, उनकी क्षमता होती है। फिर भी मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ कि ऊपर नीचे कम ज़्यादा लेवल का बच्चा होता है, वैसे पिछले साल से कोरोना चल रहा है तो 11 पढ़ा नहीं तो रोना गाना इसी बात का मचाए रहते हो, कम से कम थोड़ा सही तो करो। अगला सवाल सुनो, करा दिखाइए कि ये फंक्शन भी x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तो बात की बात है, सबसे पहला काम करें कि नंबर लाइन बनाएं। अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी 0 पर चेक करनी है तो नंबर लाइन पर 0 बनाएं। ये आपको भरोसा देता है इस बात का कि आप गलती नहीं करेंगे। 0 के बाएं जाएंगे तो बाएं को लेफ्ट कहते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, 0 के दाएं जाएंगे तो दाएं को हम राइट हैंड कहते हैं तो राइट हैंड लिमिट मिलेगी। और आप इन्हीं की तलाश में आइए, आपको LHL की ज़रूरत है, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाने वालों के लिए, क्योंकि लिमिट चाहिए तो बेशक ये लिमिट का एक सवाल है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 पर ही कंटिन्यूटी डिसाइड करनी है। अगेन इस क्वेश्चन में x टेंडिंग टू 0, मैंने तुमसे कहा है कि सबसे पहले क्योंकि लिमिट का एक क्वेश्चन बनने जा रहा है तो यहाँ कोई फंक्शन भी तो होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें फंक्शन सेलेक्ट करना आ गया उस दिन तुमको कंटिन्यूटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ फंक्शन का सिलेक्शन आपका आसान हो गया होगा। लेफ्ट हैंड जा रहे हैं तो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इन दोनों में जरा ढूंढ के बताओ कौन है, लेस देन 0 कौन है, यही तो है। देखो ऐसे जिधर की तरफ मुंह खुले बड़ा, जिधर की तरफ मुंह बंद हो छोटा, किसको लिखूं, इसको लिखूं कि इसको लिखूं। भाई लिमिट का एक क्वेश्चन है तो यहाँ फंक्शन होना जरूरी है। गलत आदमी को गलत जगह पर रख दोगे कभी लिमिट तुमको कंटिन्यूटी नहीं आएगी, लेकिन सही चीज़ को सही जगह पर रखोगे ज़िंदगी भर कंटिन्यूटी दौड़ेगी। बार बार प्रोसीजर एक ही होगा। इसमें क्या है, ये भी बहुत सुंदर सी चीज़ है, बार बार प्रोसीजर एक ही, सेम प्रोसीजर हर सवाल में फॉलो करना है, लगाना मजा आएगी, क्या कहते हो गया। अब आपको जब फंक्शन मिल गया है तो अगला एक्शन हमने बताया था कि हर एक्स रिप्लेस होता है ए माइनस एच से, बार बार आपको वही काम करना है, याद रखिएगा। तो एक्स की जगह पर ए मेरा यहाँ, यहाँ भी जीरो ही है, इस क्वेश्चन में भी 0 माइनस एच टेंडिंग टू 0, 3
x की जगह 0 माइनस h माइनस 2। अब h की जगह पर 0 खोल देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको 0 खोलना ही पड़ेगा ना, लिमिट का प्रोसेस जानते होंगे, जब सिंप्लीफाई हो जाए तो अप्लाई कर दें। अब सिंप्लीफाई तो हुआ बैठा है ना, ये बन जाएगा ये 0 0 कट के लिमिट h टेंडिंग टू 0। बहुत सॉल्व करने के लिए तुम्हारी तड़पड़ा रही आत्मा, तो माइनस का 3h माइनस 2 करो। जब आप इसके आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो लिमिट कहते हैं कि सिंप्लीफाई देन अप्लाई। तो सिंप्लीफाई अपने अधिकतम लेवल पर हो चुका है, तो h को 0 खोल देंगे, कितना आ जाएगा माइनस 2। तो हमने क्या किया, LHL पाया माइनस 2। अब किसकी तलाश करेंगे, RHL की। जब RHL निकालने जाएंगे तो फिर कहेंगे लिमिट जिस पर कॉन्टीन्यूटी निकालनी है x टाइनिंग टू 0। कॉन्टीन्यूटी 0 पर निकालनी है तो x टाइनिंग टू 0 बोलिए, 1 पर निकालनी है तो x टाइनिंग टू 1 बोलिए, 5 पर निकालनी है x टाइनिंग टू 5 बोलिए, पाई पर निकालनी है x टाइनिंग टू पाई बोलिए बोलिए। लेकिन मैंने कहा लिमिट का अगर ये क्वेश्चन बनने जा रहा है तो सबसे प्राइमरी बात, यहाँ एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन जिस दिन सेलेक्ट करना आ गया उस दिन कॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। आओ किसे लाऊं, क्योंकि जीरो पर जा रहे हैं तो जीरो के राइट में जब जाएंगे तो जीरो से बड़ी नंबर मिलती है ना नंबर लाइन पर, तो जीरो से बड़ा कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, अरे देख के बताइए ना, ग्रेटर देन जीरो, यही तो बनना। तो हमें RHL की व्यवस्था करनी होगी तो ये फंक्शन यहाँ चल के आएगा। बस एक बात हर बार करनी, हर सवाल में करनी, चाहे 100 लगाना चाहे 5000 लगाना, हर सवाल में कंसेप्ट एक होगी। जब आप ये स्टेप लिख लो तो x का रिप्लेसमेंट a प्लस h से करना है, x का रिप्लेसमेंट a प्लस h, तो a मेरा 0 है तो 0 प्लस h, ये प्रोसीजर मात्र है और कुछ नहीं है। x की जगह पर 0 प्लस h प्लस 1, h को 0 खोल दूंगा, h को 0 यहाँ भी डाल दूंगा क्योंकि 0 खोलना मेरा ज़रूरी हो जाएगा, यह बना गया। इसके बाद तीसरी और एक आखिरी चीज निकाली जाती है f(x). f(x) हमेशा जिस इन दोनों फंक्शन में जहां इक्वल टू का साइन लगा होगा वहीं से f(x) आएगा। इट इज 3x माइनस 2, x को क्योंकि मुझे 0 इंप्लीमेंट करना है, x को 0 रखते ही आंसर हमारा यहां आ जाएगा। अब आप तीनों को ध्यान से देख लीजिए, अगर तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर हों तो कंटिन्यूस, और कोई एक भी कम ज़्यादा इधर उधर है तो डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन में बोला था दिखाओ कि फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूस है, तो एकदम। अब आप सोचें इतना काम करने के अगर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं तो हमें लगता नहीं है कि आपको ये मौका छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे 4-4 नंबर 2-2 नंबर छोड़ दीजिए, पता नहीं लगेगा कि आधे घंटे के अंदर आप पेपर में 50 नंबर कब पर आ गए, 80 की जगह 50 कब मिलने लगे। और यही एक एक नंबर 2-2 नंबर 4-4 नंबर पकड़े रहिए, आधे घंटा लगेगा आप पता चला 40 नंबर का पेपर अटेंड कर चुके होंगे। सत्य है तो है। अगला सवाल, एग्जांपल 4 एग्जांपल 5 से हमने आपको रूबरू करा दिया, एग्जांपल 6 एग्जांपल 7 एग्जांपल 8, मैं जितने एग्जांपल लगाने को कहोगे जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि अब आपको एक्यूरेसी के साथ आ गया है, मैं एग्जांपल लगाता रहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जाम्पल सिक्स फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ। f(x) कैसे कैसे डिफाइन है, x अपान मॉडुलस f(x) व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये बहुत कुछ कहता है, यही डेफिनेशन ही तो इस चैप्टर को लगवाती है। x अपान मॉड ऑफ x तब है व्हेन जब x नॉट इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 1 है व्हेन जब x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ना कहीं ग्रेटर लिखा है ना कहीं लेस लिखा है, एक सिंबल लिया नॉट इक्वल टू, 0 नहीं है और ये इक्वल टू 0 यानी एग्जैक्टली 0 है। तो कह रहा चेक करो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। तो अपना धर्म निभाना शुरू करेंगे, पहली ड्यूटी LHL, ड्यूटी पहले LHL फिर LHL बाद में, पहले नंबर लाइन, फिर मामला इक्वल टू 0 के लिए लगा हुआ है तो 0 पर ही हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें। 0 के बाएं जाएंगे तो LHL मिलेगा यानी 0 से छोटा, 0 के दाएं जाएंगे तो 0 से बड़ा यानी RHL मिलेगा। ये तो संजीवनी है इसकी। फिर हम शुरू करें LHL निकालने की प्रक्रिया। LHL बार बार वैसे ही निकालना है, हर सवाल में लगातार करना है। अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ, बाद में बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ा दूंगा। मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाएं ना चलाएं हमारी चल जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी 0 पर लानी तो x टेंडिंग टू 0। सारा खेल है जब मैं LHL लिखा हूं तो किसको लाऊं, तो अगर वहां लेस ग्रेटर लगे रहते थे तो झट से देख के झांके पकड़ ला यहां लिखा दिए।
लेकिन आज ना कहीं लेस दिख रहा है ना ग्रेटर दिख रहा है, लेकिन एक बात तो है नॉट इक्वल टू दिख रहा है, तो जीरो नहीं है तो मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, क्यों क्या कहते हो? अगर जीरो नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो हमें पक्का पता चल गया है नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये ग्रेटर भी हो सकता था लेस भी हो सकता था, तो LHL और RHL के लिए वही आके बैठेगा। अब नियम, जब आप LHL निकालने जाएं तो मैंने कहा जब ये फंक्शन लिख जाए तो समझो 90% आपने जंग जीत ली, और आगे जो 10% उसमें बना बनाया प्रोसीजर है। हर x का रिप्लेसमेंट हमने बताया a माइनस h से होता है, तो a मेरा जीरो है तो जीरो माइनस h टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस h और यहाँ नीचे मॉडलस में है जीरो माइनस h। अब ये तो h टेंडिंग टू जीरो ही रहा, ये माइनस एच लिखा जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर अगर मॉडलस में, मैंने पढ़ाया था 11th में, नेगेटिव कभी मॉडलस में आए तो ये पॉजिटिव ही होता है। हमने कट किया कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया -1, लेकिन जब मैं RHL निकालने चलूँगा तो मैंने समझाया सिखाया बताया कि लिमिट का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर तो लाना है, बस केवल ढूंढना फंक्शन। देखिए इसमें ना कहीं लेस का सिंबल लगा है ना कहीं ग्रेटर का सिंबल लगा है, नॉट इक्वल टू बताता है कि मैं ही लेस हूँ और मैं ही ग्रेटर हूँ, क्यों? अरे जीरो नहीं है तो जीरो से बड़ा भी हो सकता है जीरो से छोटा भी हो सकता है, तो कहीं लेस ग्रेटर ना लगे हो, नॉट इक्वल टू लगा हो तो माई बाप यही है, RHL भी वही देगा और LHL भी वही देगा, यानी दोबारा यहाँ छाप दें x अपान मॉडलस ऑफ x। अब मैंने कहा रूल, जब आप ये लिख दो तो रूल ही है एक कि x को a प्लस h से रिप्लेस करना है, तो लिमिट इस x की जगह पर 0 प्लस h टेंडिंग टू 0, ऊपर आएगा 0 प्लस h अपान 0 प्लस h का मॉडलस। अब हम h टेंडिंग टू 0 तो यहाँ जा ही रहे हैं, जीरो प्लस एच तो एच ही कहलाएगा और जीरो प्लस एच भी एच ही कहलाएगा। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क देखिए, जीरो माइनस एच क्योंकि मॉडलस नहीं था तो माइनस एच कहलाया, लेकिन मॉडलस में अगर माइनस एच हो तो प्लस एच होता है, उसको हल करने के चलते ये माइनस वन आ गया, लेकिन यहाँ तो प्लस ही रहेगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ऐसे ही डिसाइड हो गया है कि LHL साहब -1 आ गया है और RHL +1 आएगा तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए f ऑफ x भी फाइंड करें। हमने बताया था f ऑफ x वहीं से निकलता है जहां इक्वल टू का साइन होता है, इस फंक्शन में इक्वल टू को डिफाइन कौन कर रहा है f ऑफ x की वैल्यू 1, हाँ क्योंकि 0 पर निकालना था, इक्वल टू यही है, इक्वल टू के सामने फंक्शन 1 है तो f ऑफ x 1 हो गया। तो देखिए ये हमारा फंक्शन -1 है, ये फंक्शन हमारा 1 है, ये भी हमारा 1 है, ये दोनों भले बराबर हैं लेकिन इन दोनों के बराबर ये तो नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे तो यही सारे क्वेश्चंस को, शुरुआत में है ना टाइप ऑफ फंक्शन, मैं सारे फंक्शन के ग्राफ खींचूंगा एक एक करके, ग्राफ खींचने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस को ग्राफ से 10 सेकंड में लगा के दिखाऊंगा अभी, क्योंकि आपके बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। अगर आप इससे इतर कुछ भी करते हैं तो आपको कोई भी एक भी नंबर नहीं देगा, फिर आप हमसे नहीं कह सकते हैं। यह था मेरा एग्जाम्पल 4, 5 और 6, एग्जाम्पल 7 की ओर बढ़ता हुआ मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूं आपके इशारे पर, और आपके लिए एक और बेहतरीन सवाल, फिर आगे बढ़ता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 बार मैं वही चीज़ आपको करके दिखाऊं, ताकि अगर आज भरोसा केवल हो जाए कि मैं कंटिन्यूटी लगा लूंगा या लगा लूंगी तो फिर आपको समस्या कभी नहीं आएगी। चलो एक और सवाल, एग्जाम्पल 7, बच्चे ध्यान दें मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करें, 3 दिन में 4 नंबर आपकी झोली में गिरा दूंगा, बहुत कठिन काम नहीं है, बार बार एक ही काम को अंजाम देना है, लेकिन वैरायटी आप कंसेप्ट है। मॉडलस ऑफ साइन एक्स अपान केवल एक्स, ये तब है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ये 1 के बराबर तब है जब x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 पर वेदर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हमें बताना है, वो जहाँ इक्वल टू का साइन लगा है वही कंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो हमें फिर से 0 पर ही कंटिन्यूटी निकालनी है, तो नंबर लाइन पर 0 लिख लें, इधर की तरफ एरो बना के LHL लिख दें, इधर तरफ एरो बना के RHL, ये एक फीलिंग बताता है आपको।
तो चलिए शुरू करते हैं एल एच एल निकालना। जब हम एल एच एल निकालने जाएंगे बाबूजी तो कहेंगे लिमिट, बस जीरो पर चल रहा है कार्यक्रम तो एक्स टेंडिंग टू जीरो। मैंने कहा जहां पर लिमिट निकालनी है कंटिन्यूटी, वो एक्स टेंडिंग टू हो गया। जिस दिन ये फंक्शन की तलाश पूरी हो गई, जिस दिन तुम इसे लिखने लगे कि यहां किसे लिखना है, उस दिन तो सिर्फ प्रोसीजर मात्र हो, बाकी लिमिट माने कुछ नहीं, सिंप्लीफाई देन अप्लाई, फर्जी कहा हुआ है। बोलो किसको लिखूं? अब एक भी बच्चा अगर क्लास में बैठा रहता तो मजा आ जाती, उससे मैं पूछता कि बेटा बताओ यहां किसे लिखूं, तो लाइव एक्सप्लेनेशन आती। अब हो गया, इसमें मैं सुना रहा हूं, चलो अपने सुनूंगा अपने बोलूंगा, यही ड्रॉबैक है केवल ऑनलाइन एजुकेशन की कि हम आपसे सीधा कम्युनिकेट नहीं करते, हमारा फेस आई कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाता है, यही एक ड्रॉबैक महसूस होती। बाकी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत टेंशन का नहीं है, बस आप पढ़ना चाहो तो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो पर चल रहा हूं, तो अब यहां मैं किसे लाऊं? ना कोई लेस दिख रहा है सर्वा, ना कोई ग्रेटर दिख रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू दिख रहा है। तो नॉट इक्वल टू क्या बताता है? मैं जीरो से बड़ा हूं। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो मैं जीरो से बड़ा हूं? छोटा भी तो हो सकता हूं। अरे जीरो नहीं हूं तो बड़ा भी हो सकता हूं, छोटा भी हो सकता हूं। ले जाओ छपवा दे कहीं, साइन एक्स मॉडुलस अपान एक्स अपान एक्स। मुझे फंक्शन की जरूरत थी, मैंने फंक्शन लिख दिया। अब नियम, जब एल एच एल निकालते हैं तो नियम कहता है कि x की जगह पर a माइनस एच, यानी 0 माइनस एच टेंडिंग टू 0, मॉडुलस में साइन 0 माइनस एच अपान x की जगह 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो हो गया ना ये पूरा। साइन में जो माइनस थीटा होता है, कभी तुमने पढ़ा होगा साइन में जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन मॉडुलस में अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। सो दिस बिकम साइन एच अपान ये जो माइनस एच, ये तो मॉडुलस में था नहीं, लेकिन लिमिट अगर जिन बच्चों ने पढ़ी होगी थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा अपान थीटा सदैव 1 होता था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। अब आपने लिमिट नहीं पढ़ी है तो ये देखिए एक पॉइंट आ रहा है जो तुम्हें थोड़ा परेशान करेगा। नहीं पढ़ी है तो याद करो साइन थीटा पान थीटा, साइन थीटा टेंडिंग जीरो, साइन थीटा पान थीटा 1 होता तो वो माइनस 1 बचा रह जाएगा। अब आर एच एल देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ आप पहले नहीं पढ़े हो तो वो सर उठा देगी। आगे बढ़ो, फिर आर एच एल निकालने जाएंगे तो फिर कहेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, किसे लाऊं? आर एच एल का मतलब जीरो से बड़ा, यहाँ जीरो से बड़ा फड़ा को दिख ही नहीं रहा है, नॉट इक्वल टू बता रहे, तो सर्वा उठा के उके फिर रख दे अपान एक्स। अब क्या करूं? हमने तरीका बताया है कि याद रखो एक्स टेंडिंग टू 0 है तो आर एच एल निकालने जा रहे हैं तो जहां जहां एक्स दिखे उसे 0 प्लस एच से रिप्लेस करो, मॉडुलस में साइन 0 प्लस एच, ये मॉडुलस है, अपान 0 प्लस एच। आप देखेंगे साइन 90 वो साइन 0 प्लस साइन थीटा ही रहा तो प्लस ही में आएगा, मॉडल से करे प्लस में आएगा, नीचे भी प्लस है, कुल मिला के साइन एच अपान एच, साइन एच टेंड टू 0 एच अपान एच बना रहे गए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो ये वैल्यू बना जाएगी। अरे का सॉल्व करूँ क्या उसको? अरे मालिक ऐसे रफ सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर साइन 0 प्लस एच साइन एच होगा और साइन एच का जब मॉडल्स लेंगे तो प्लस में ही एच आएगा, जबकि इसमें देखिए माइनस में आया था ये, और माइनस मॉडुलस होने के चलते प्लस हो गया था और नीचे वो प्लस में है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब हम एफ ऑफ एक्स निकालें, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स सदैव कहाँ से निकलता है? जहाँ एक्स बराबर इक्वल टू का साइन होता है, तो इक्वल टू के सामने एफ ऑफ एक्स कितना डिफाइन है? 1। फंक्शन देखो, एल एच एल की वैल्यू माइनस 1, आर एच एल की वैल्यू प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1, तो तीनों फिर बराबर नहीं हुआ है तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये एग्जाम्पल 7 था, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया, 7 बताया, 4 एग्जाम्पल बता चुका हूँ, मेरे मन में एक और एग्जाम्पल चल रहा है उसको बता के आज का समापन लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बताता हूँ एक थोड़ा भयानक कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैदान में आता हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल 8 अपने आप हो जाएगा आपसे, कंसेप्ट क्लियर हो गई है उसकी, तो एग्जाम्पल 8 आप खुद बनाएंगे।
सरल सा सवाल, एक कठिन सवाल एग्जाम्पल 9 बता करके आज की इस वीडियो को समापन करूँगा। एग्जाम्पल 9, दिस इज द एफ ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। बिल्कुल चक्कर घिन्नी बना देगा आपको, कंसेप्ट क्लियर तो एकदम लीनियंट हो जाएंगे, और नहीं पकड़ पाए तो एकदम चक्कर घिन्नी बना के छोड़ देगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, x ग्रेटर देन माइनस 3 लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो अब ये फंक्शन तुमसे कोई कहे या ना कहे, कंटिन्यूटी निकालने के लिए दो पॉइंट्स को अपॉर्चुनेट करता है। देखिए इक्वल टू का साइन एक माइनस 3 के ऊपर लगा हुआ है और एक इक्वल टू का साइन 3 पर भी लगा हुआ है, यानी ये एक नहीं बल्कि दो सवाल है। एक बार हमें कॉन्टीन्यूटी माइनस 3 के लिए निकालनी है, एक बार कॉन्टीन्यूटी 3 के लिए भी निकालनी है। दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे तो पहले हम कहेंगे फार एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। हम माइनस 3 के लिए कॉन्टीन्यूटी डिसाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनानी होगी। नंबर लाइन में कहीं भी माइनस 3 ले लीजिए, माइनस 3 के इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड मिलता है तो ये LHL देगी, और माइनस 3 के राइट में जाएंगे तो ये RHL देगी। बहुत सरल सी टेक्निक बता रहा हूँ, अगर इससे कॉन्टीन्यूटी नहीं सीख पाए तो मुझे नहीं लगता है कि ज़िंदगी में कभी आप कॉन्टीन्यूटी सीख पाएंगे किसी तरीके से। सुनो तो चलिए मिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाएंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं माइनस 3 के लिए, तो हमने कहना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 3। जिस पर कॉन्टीन्यूटी निकालनी हो उसी पॉइंट को एक्स टेंडिंग टू माइनस 3, और सारा खेल है लिमिट पढ़ी है आपने तो लिमिट एक्स ऐसे समथिंग लिखने के बाद यहाँ फंक्शन होता है। तो यहाँ तो तीन तीन फंक्शन घुसे पड़े हैं, किसे लाऊं? तो यही लाना उठा के वहाँ से यहाँ बैठाना, सेलेक्शन करके यहाँ बैठाना ही हमें कंटिन्यूटी सिखाता है और कुछ नहीं। झंडू बम टॉपिक है, लाओ भैया किसको लेकर आऊँ? तो तुमको पता है लेफ्ट हैंड निकालने जा रहे हो तो एक ऐसा फंक्शन जो माइनस 3 के लेफ्ट में जाएगा वो 3 से छोटा होगा, माइनस 3 से छोटा होगा। तो देखिए यही फंक्शन खुद जो है वो एक्स लेस देन माइनस 3 बता रहा है, तो इसको हम यहीं ले आके रखेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3। फिर इसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, यहीं ये फंक्शन हमें मिल गया है और अगली बार जो अगला एक्शन होता है वो एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन सफ़ेद सागर, है ना, ऑपरेशन डोकलॉम, बस ऑपरेशन करिए। तो लिमिट हमने बताया उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, आप एक्स की जगह पर ए माइनस एच का प्लेसमेंट देते हैं, तो यहाँ ए आज मेरा माइनस 3 है तो माइनस 3 माइनस एच टेंडिंग टू माइनस 3, ब्रैकेट लगा लें मॉडुलस में एक्स की जगह पर माइनस 3 माइनस एच, ये मॉडुलस बंद कर दें, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखें, माइनस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो हम कहेंगे लिमिट एच टेंडिंग, क्योंकि जीरो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता, जीरो जीरो होता है, ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। ये मॉडुलस में है, आपको पता है मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो प्लस का ही हो जाएगा, तो इसको हम मॉडुलस से खोल देते हैं तो 3 प्लस एच प्लस 3। अब हमारे पास लिमिट सॉल्व करने का एक ही मंत्र होता है, सिंप्लीफाई देन अप्लाई। सर्वाय का कौन सिंप्लीफाई कर पाए, कौन सिंप्लीफाई कर पाए के आगे? अरे भाई बहुत ज़्यादा बहुत बड़े गणितज्ञ हो तो 6 प्लस एच लिखोगे इसे, तो क्या तुम 3 उखाड़ लोगे? एच को जीरो खोल दो, लिमिट कही कहती है, तो ये कितना आ गया 6। तो इस फंक्शन को सॉल्व करते पहले मैं एक्स बराबर माइनस 3 के लिए कॉन्टीन्यूटी निकालना हूँ जिसमें एक्स इज इक्वल टू LHL 6 आ गया है। अब मैं इसी क्वेश्चन के लिए RHL निकालने जा रहा हूँ, जब मैं RHL निकालने जाऊँगा तो कहूँगा लिमिट, क्योंकि माइनस 3 के लिए ही जा रहा हूँ तो एक्स टेंडिंग टू माइनस 3। थोड़ी सी बुद्धि का और ज्ञान का इस्तेमाल करिए, कॉन्सेंट्रेशन दे के सुनिए, कभी गलती नहीं होगी। एक्स टेंडिंग टू माइनस 3, तो आप माइनस 3 के लिए जब जा रहे थे नंबर लाइन आपके रिप्रेजेंटेड है तो माइनस 3 के राइट हैंड में जाओगे तो माइनस 3 से बड़ा मिलेगा,
अब आप इन तीनों फंक्शन को देख के बताओ कौन सा फंक्शन ऐसा है जो यक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री बताता है। तो आपके देखते ही देखते दिखने में लगा होगा ये तो लेस देन इक्वल टू बता रहा है, लेकिन यक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री यही बता रहा है। तो यहाँ चुपचाप इज्जत से आइए, माइनस टू एक्स को लिखवाइए। जब आप फंक्शन सेलेक्ट करके फंक्शन लिखने में कामयाब रहते हैं तो मैं आपको एक ही मंत्र बताता हूं कि जब RHL निकालना हो तो x की जगह a प्लस एच, और LHL निकालना हो तो x की जगह a माइनस एच, और a वही है। ये बार बार आपको हजार सवाल लगा लीजिए, हजार सवाल में यही प्रोसीजर फॉलो करना है। x की जगह माइनस थ्री प्लस एच टेंडिंग टू माइनस थ्री। अब जहाँ जहाँ x दिखे सब जगह ये कार्रवाई करनी है आपको, माइनस थ्री प्लस एच, इसको इससे काट डालो। चलो शुरू करें, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब इधर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ये h टेंडिंग टू जीरो तो हो गया, ये सिक्स हो गया माइनस का टू एच हो गया। देखो ये सिक्स हो गया माइनस का टू एच हो गया, h को जीरो खोलने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं, तो ये भी कितना आ गया सिक्स। LHL भी सिक्स आया था, RHL भी सिक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की तलाश कर लें माइनस थ्री के लिए। तो देखो माइनस थ्री के लिए जहाँ इक्वल टू का साइन होगा वही एफ ऑफ एक्स देगा। तो आप इसी फंक्शन में जिसको एफ ऑफ एक्स को आपने मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री बोला है, वहाँ एक्स को माइनस थ्री से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। माइनस थ्री का मॉडुलस प्लस थ्री, तो माइनस थ्री का मॉडुलस तो हमेशा प्लस का ही होगा, और ये तीन प्लस का आ गया, अब ये भी वैल्यू कितनी आ गई। पाँचवा सवाल अब पहुँचा है जा करके कहीं ना कहीं कि अब ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री के लिए, किसके लिए, माइनस थ्री के लिए ये हमारा फंक्शन कैसा रहा, कंटिन्यूस। यानी अभी ये आधा सवाल लगा है, इसने पूछा था, कहा था कि ये अगर एक फंक्शन है तो यक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और यक्स इज इक्वल टू थ्री दोनों के लिए कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए। तो यक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री के लिए कंटिन्यूटी क्या होगा, ये कंटिन्यूस। और अगला सीन हम फिर से बना रहे हैं, अब अगला सीन हमारा होगा किसके लिए, यक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू का साइन जिसके जिसके सामने लगा होगा सबके लिए कंटिन्यूटी निकालना आपकी ड्यूटी है। अब कहेंगे फार एक्स इज इक्वल टू थ्री, जब तीन के लिए कंटिन्यूटी निकालने जा रहे हो तो आपका धर्म है नंबर लाइन पर सबसे पहले तीन लिख दें। तीन के बाएँ जाएंगे LHL मिलेगा, तीन के दाएँ जाएंगे RHL मिलेगा। चलो करें, सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए कहते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, वही पॉइंट जहां पर कंटिन्यूटी निकालना है तीन। और फिर यहां लिमिट का एक क्वेश्चन बना है क्योंकि, तो उस फंक्शन को ढूंढने का, उस फंक्शन को तलाश करने का मिशन शुरू कर देते हैं। जिस दिन मिशन पूरा उस दिन कंटिन्यूटी पूरी। आओ किसे लिखूं, अब की बार तीन के लिए है, तीन के लेफ्ट में जाओगे तीन से छोटा मिलेगा, बताओ इसमें ढूंढो जो थ्री से छोटा है, लेस देन थ्री है। तो यही फंक्शन है जो ग्रेटर देन माइनस थ्री भी है, और यही फंक्शन है जो लेस देन थ्री भी है। यह फंक्शन दो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, ग्रेटर देन माइनस थ्री और लेस देन थ्री। तो चुपचाप इज्जत से आएँ और यहीं से बैठें आँख मीच करके। अब क्या करना है, हमने नियम बताया था कि जब LHL निकालते हो तो एक्स को ए प्लस एच, आज मेरा यहाँ ए तीन है, तो तीन प्लस एच टेंडिंग टू तीन, माइनस टू तो है ही एक्स की जगह पर तीन प्लस एच, यह तीन तीन कट जाएगा, यह स्टैंडिंग टू जीरो होगा, माइनस सिक्स आ जाएगा। फिर तुरंत तूफानी जाइए RHL निकालिए, RHL जाएंगे तो कहेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब तीन पर निकाल रहे हैं तो तीन लिखा जाएगा, बोलो लिखें। हाँ बस मामला है फंक्शन को ढूंढ लेने का, जिस दिन फंक्शन ढूंढना आ गया उस दिन कंटिन्यूटी आ जाएगी, बताओ कहाँ जाऊँ। अब आपको पता है तीन के लिए RHL जाएंगे तो तीन से बड़ा मिलेगा, तीन से बड़ा को तीन से बड़ा, थ्री प्लस वाला थ्री जो है उससे बड़ा। तो देखो ये सब माइनस थ्री का डेफिनेशन है, ये माइनस थ्री से ग्रेटर और लेस तीन से लेस का है, तो तीन से ग्रेटर का यही तो है, पकड़ के लाओ बैठाओ जाओ, सिक्स एक्स प्लस टू, दैट्स ऑल, हमारा मिशन पूरा हो गया। लिमिट इस x की जगह पर हमने कहा जब आप ऐसे करते हो तो a प्लस एच, थ्री प्लस एच टेंडिंग टू थ्री। मिशन को कंसेप्ट के रूप में देखो, फिर कभी गड़बड़ नहीं होगी कंटिन्यूटी, मेरा अनुभव बहुत है। h को जीरो खोलना, क्षेत्र का अठारह दो बीस, देखो वो माइनस छः आया था वो बीस आ गया, ऐसे ही पता चल गया डिसकंटिन्यूस है। लेकिन आपको पता है कोरम पूरा करना है, कंसेप्ट को और अपनी वजह को बताना है। या फॉपी एक्स, देखे इक्वल टू का साइन भी वही है,
तो हमारा एज इट इज फंक्शन आएगा 6x प्लस 2 और x की जगह 3 रख देंगे, क्षेत्र का 18 2 20। ये माइनस 6 आ गया, वो 20 आ गया, वो भी 20 आया, भले ही दोनों बराबर हैं लेकिन ये तो बराबर नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। देखो एक ही क्वेश्चन -3 के लिए कंटिन्यूस था और 3 के लिए वही सवाल डिसकंटिन्यूस हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो भी हमें एक बार मैसेज करके बताइएगा, वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। जो बच्चे आज ये वीडियो देखेंगे, सभी बच्चों को एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करिएगा, हमें बताइएगा जरूर कि आपको कितना आया। आपको अगर 5% भी आया है तो आप ईमानदारी से लिखिएगा मुझे 5% समझ में आया है। अगर आपको 50% समझ में आया है तो आप मुझे बताइए कि आपको आज पहली क्लास थी, थोड़ा डर रहे थे, 50% आ गया है। और किसी को 100 अगर आ जाए तो 100 वाला अपना कमेंट करे 100%। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट। नहीं गुड नाइट कहाँ, अभी तो गुड आफ्टरनून भी नहीं हुआ, 12:30 बज गए। आज आपकी क्लास देनी थी मुझे 3:30 बजे लाइव, तो 3:30 बजे लाइव आने के बजाय मैं 12 बजे से वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो अभी 3-4 दिन आपके लिए प्रयास करने के लिए मैं कर्तव्य बोध मेरा कहेगा, मैं आपको प्रयास कराऊंगा और सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।